अभी हम ट्रेड करेंगे, स्टॉक मार्केट में अभी हम ट्रेड करेंगे, और आप लोग को हमारा जो चल रहा है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पे कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ट्रेडिंग करेंगे, ऑनलाइन कैसे पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, बाइनरी। देखिए अभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, जो 200 का होगा मेरा ट्रेड, ठीक है। मेरा ट्रेड 200 का लगेगा और ये कैंडल खत्म होते ही एक ट्रेड होगा, और मेरे हिसाब से अगर ये ग्रीन बना तो और एक तो रेड बनना चाहिए, ये अगर ग्रीन बनेगा और एक तो यहाँ पे रेड बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये ग्रीन बन गया तो हम एक रेड के लिए ट्रेड पुट करते हैं। तो हमने एक पुट के लिए ट्रेड लगाया है और ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, ये रहा एक तो 200 का लेवल, इसको टच नहीं किया तो यहाँ तक आना चाहिए कम से कम, और ये सपोर्ट लेवल तो है ही, है ना। तो बिना टच के एक कैंडल बन गया है, तो एक रेड कैंडल आना चाहिए, देखते क्या होता है। हमारे हिसाब से तो एक रेड कैंडल आना चाहिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए 17 सेकंड कुछ बचा है, 14 सेकंड, 8 सेकंड, थोड़ा 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 नीचे 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 नीचे। देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रेड विन तो हुआ है लेकिन कुछ की वजह से लॉस हो गया है, क्योंकि ऊपर क्लोज हो गया तो यहाँ पे हम डबल ट्रेड लगाएंगे डाउन के लिए, और यहाँ पे वन स्टेप के लिए मैं लगाया हूँ ट्रेड, लेकिन मेरा ट्रेड बहुत नीचे लग गया, लेकिन फिर भी हमको ये ट्रेड विन होना चाहिए, क्योंकि वन स्टेप पे ये विन होना चाहिए। देखते हैं, ये सेलर्स यहाँ तक लेके आए थे और बायर से फिर से पूछ किया, तो यहाँ पे एक एरर कैंडल होने के बाद यहाँ तक फिर से सेलर आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं, और मैं थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमारा कहाँ गया, देखिए 7 सेकंड तक बचा है, 4, 3, 2। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा ट्रेड विन हो गया है, दोनों के दोनों विन हो गया है। क्या हुआ, दोनों ट्रेड हमारा, और अभी दूसरे कहीं पे दिखते हैं ट्रेड का। यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये रहा एक रेड कैंडल और ये रहा रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे और एक रेड कैंडल आ सकता है, यहाँ पे और एक रेड कैंडल आ सकता है, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे, ये तो पैटर्न चल रहा है, अभी रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो हम बाकी ट्रेड करेंगे। ये अगर शॉर्ट, अच्छा ये रहा 50 का लेवल,
में ब्रेक हो गया तो ये पीछे एक बार वहां तक जाना चाहिए। एक फुट के ट्रेड लूंगा, अगर ये 50 के लेवल को एक बार छू लेगा तो मैं एक तो फुट का ट्रेड लूंगा। यहाँ 50 के लेवल को छूना चाहिए, मेरा क्रशर जहाँ पे है वहाँ पे एक बार जाना चाहिए। अगर छू लेगा तो मैं फुट के ले लूंगा, क्योंकि ये अच्छा अच्छा फुट के लिए ट्रेड हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है तो दूसरा ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे ये अगर एक रेड कैंडल बनता है तो इसके बाद वाला एक ग्रीन कैंडल के लिए ट्रेड करूँगा। चलो 17 सेकंड तो बचा है, इतना टाइम भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। बात नहीं, चलो देखिए, यहाँ पे एक 7,000 वाला नंबर है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, तो यहाँ पे मैं दो ट्रेड कॉल के लिए, और ये ट्रेड अच्छा खासा मार्जिन स्विंग होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ये 7,000 लेवल राउंड नंबर का लेवल है, ऊपर मैं इसके लिए ट्रेड लगाया हूँ। ये विन होने के चांस बहुत ज़्यादा है और मेरे को अच्छा खासा सेफ्टी मिल गया है, इसलिए और भी ज़्यादा विन होने का चांसेस है। तो यहाँ तक फिर से एक कैंडल को जाना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल को यहाँ तक, और यहाँ पे एक पैटर्न भी चल रहा है। एक रेड के लिए दो मिनिमम दो ग्रीन आ ही रहा है, ठीक है, एक रेड के बाद एक रेड के बाद एक ग्रीन आना चाहिए यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। मेरा तो अच्छा खासा मार्जिन में मेरा वो हुआ गया, लेकिन लेकिन फिर से ये लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, अगर लॉस हो जाएगा तो हम रिकवर कर लेंगे, इसके लिए कोई बात नहीं हमारा, क्योंकि ये स्ट्रांग लेवल है ना, स्ट्रांग लेवल से अच्छा लग आया ना, इसलिए ये लॉस हो गया है, ठीक है, दो लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, हम इसको भी रिकवर कर लेंगे, दो दो लॉस हुआ है ना तो हमारा तो हम रिकवर आराम से कर लेंगे। यहाँ पे फुट का ट्रेड लूँ क्या? चलिए यहाँ दो ट्रेड देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है विन करने का। सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, था लेकिन ये क्या हो रहा है, कहीं तो मुझे बताया भी, अगर लॉस हो तो यहाँ पे 4 ट्रेड लगा, लेकिन ये यहाँ पे 4-5 ट्रेड लगाया होंगे अभी। ये जो जितना भी ट्रेड लगाए, अगर मेरा ये ट्रेड होगा मेरा पहले का लॉस रिकवर हो गया, फिर से और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने ट्रेड लिया, क्योंकि ये वन स्टेप फेल था, ये वन स्टेप वाला ट्रेड है, देखते। और 37 सेकंड कुछ बचा है, 37 37 सेकंड है ना दोस्तों। और ये देखिए, ये अच्छा खासा मार्जिन पे हमारा विन हो रहा है, क्योंकि पता था ये अगर लॉस हो जाएगा तो इसके बाद वाला जरूर ट्रेड आएगा। ट्रेडिंग तो यही है दोस्तों, विन प्रॉफिट तो हम होता ही रहता है, तो हमारा सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है, जो हमारा लॉस हो जाए तो हम उनको रिकवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सारा का सारा ट्रेड विन हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ देखिए सारा का सारा विन हो गया है, और हमारा 5,000 कुछ प्रॉफिट आया है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।